<laughs> क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं <laughs> क्या कर रहे हो कोई बीच में नहीं आएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो गाइस आज है कुनाली आज क्या है पता है आपको पता ही नहीं क्या है आज अभी कुनाली को पता ही नहीं है दिखाता हूँ कुनाली को दिसंबर मतलब पता नहीं ये देख लो भाई इसको पता ही नहीं है थर्टी वन दिसंबर क्या होता है अब सच में नहीं पता सच में नहीं पता एक और दिन फिर पूरा साल भर बाद आखिरी दिन है कल पता क्या होगा कल अगला साल आ जाएगा मतलब आज आप रात को सोगे ना हाँ। तो अगले साल उठोगे सीधा अगले साल मतलब, मतलब एक साल बाद उठोगे सीधा अब अगले, उठो अगले साल उठोगे आप आज सोगे तो आज आखिरी दिन है अगर मैं अभी सो गया तो अगले साल अगले साल उठोगे देख लो सोना मत ठीक है आज वरना अगले साल उठना पड़ेगा आपने इस साल क्या किया कुछ नहीं उसने अपनी पहली कक्षा पास करी मैंने टीवी देखा फोन देगा बस थोड़ी बात करता हूं। भाई पीयूष तो इस साल पूरा ही चेंज हो गया इसकी लास्ट साल की वीडियो देखना इसकी आवाज भी अलग थी इसकी हाइट भी अलग थी सब कुछ अलग था किस तरह से बोलता था ये तो आज फैमिली में सबसे पूछेंगे उन्होंने पूरे साल में क्या क्या किया भाई मैंने तो बहुत कुछ किया है बहुत कुछ सीखा है और तीन चार कंट्रीज में भी गया नए नए एक्सपीरियंस लिए नए नए लोगों से मिले नए नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा मतलब ये साल ये साल मेरा बेस्ट था बेस्ट चलो अम्मा आज के अम्मा से पूछते हैं अम्मा आज क्या है पता है क्या है आज थर्टी फर्स्ट अम्मा ने तो बस खेत में काम किया और मस्त घूमी अम्मा कभी कहा कभी कहा कभी कहा दादाजी अपना मस्त अखबार पढ़ रहे हैं दादाजी कैसा रहा आपका ये साल बहुत अच्छा रहा क्या किया आपने कहा बैठे रहे ऐसे पेपर पढ़ा और समाचार सुने बस बस मुझे बताया आपने क्या किया क्या किया मैंने यही किया है ये खाना बनाया सारा दिन खाना खिलाया झाड़ू पोछा करा ये किया क्या किया चाय नहीं मुझे बताया सबसे ज्यादा क्या किया आपने मम्मी जी ने सबसे ज्यादा टेंशन लिया है इस साल टेंशन तुम ही दिलाते हो उसकी तबीयत खराब रहती है मेरी मम्मी सबका ख्याल रखती है मैं अम्मा हूँ मैं बुढ़िया ठहरी मेरे को उतना डिमांड थोड़ी है जा। क्या नहीं आपको उतना डिमांड मेरे को नहीं आपको है। दिमाग नहीं है इतना कहाँ है फिर कुछ भी आपने क्या किया पूरा साल पूरा साल क्या करो घर का काम <laughs> क्या करो और गई हर घर में मम्मी की यही कहानी है मम्मी बोलेगी कि बस काम किया झाड़ू पोछा किया खाना बनाया बस पापा जी ने पूछते पापा जी आपने क्या किया हमने तो बहुत कुछ किया क्या किया सबसे पहले उठते हैं नित्य कर्म करते हैं पूजा पाठ वगैरह अच्छी वाइब लाते है घर में उसके बाद अपना प्लॉट का, का काम है मकान का काम आठ महीने हो गए हमारे मकान को बनते अरे हाँ इसी साल मकान शुरू ना मकान मकान महीने तो हमने मकान में लगा दिए तो गई हमारे घर की तो यही कहानी है सब ने बता दिया कि उन्होंने क्या क्या किया पूरे साल ने क्या किया पूरे, पूरे साल सोने के अलावा क्या किया तूने भाई कॉलेज का सेकंड ईयर किया नई बाइक ली केदारनाथ गया गाइज और चाहे जो भी हो इस साल चाचा जी बहुत फेमस हुए हैं चाचा जी के डायलॉग चाचा जी का बोलना ऊपर से भी ऊपर है ना चाचा जी फुल ट्रेंडिंग में रहे हैं इस साल साली की देखभाल करता हूँ मैं बहुत ज्यादा कुनाली को पढ़ाया आपने आप वही तो फिर घुमाया आपने औरे, औरे और कुनाली। <laughs> तो तो अभी दिखाते हैं तो देख रहे शर्म, शर्म आ रही है सबको शर्म है गाइस जब हम हल्द्वानी थे ना पहली बार हमने सोचा था कि हम यहाँ पे रहेंगे सोसाइटी में रहेंगे आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे हम घर ढूंढ रहे थे हल्द्वानी में हमको घर नहीं मिल रहा था वो को कोई किराए पे घर नहीं मिल रहा था अच्छा सा जहाँ पे हम रह सके फिर हमको इतनी मुश्किलें ढूंढ ढूंढ के तीन चार दिन हफ्ता ढूंढ ढूंढ के फिर हमको ये सोसाइटी मिली थी यहाँ पे निर्मल भैया मिले उनका घर मिला उन्होंने अपना घर दिया हमको रहने के लिए फिर हम शिफ्ट तो हो गए थे हल्द्वानी में बट मेरा ड्रीम था कि हमारी फैमिली का एक खुद का घर हो क्योंकि हम रेंट पे रहते थे ना फिर उसके बाद फिर हमको लैंड मिल गई थी सोसाइटी में फिर हमने लैंड खरीद ली थी फिर हमारा प्लान तक उसी में घर बनाएंगे पूरी फैमिली के लिए और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक और घर खरीदा यहाँ पे स्टूडियो के लिए स्टार्टिंग में मेरा बस ये था कि हल्द्वानी आके बस एक घर मिल जाए

अबे ये क्या है अबे ये क्या है खोल के ना। अबे ना क्या क्या है अच्छा ये ये है देखो अबे ये क्या है ये आंख नाक मूंछ है हैं आंख नाक मूंछ <laughs> कैसा लग रहा है मुझ पे कमेंट करते ना गाइस ऐसे अगर पब्लिक में जाऊंगा लोग पहचानेंगे नहीं ऐसे नहीं नहीं पहचान पहचान में नहीं आ रहा ना मैं हाँ बाल से पहचान सकते हैं पता नहीं भेजा किसने और किसके लिए भेजा है चलो जी लगाओ गाइस सब्सक्राइब करो गाइस गाइस सब्सक्राइब करो गाइस गाइस मुँह चाहो तो ऐसी हो गाइस नथु की जैसे <laughs> <laughs> क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं क्या कर रहे हो <laughs> क्या हो गया आपको अरे <laughs> बच्चों क्या जान कोई बीच में नहीं आएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा <laughs> आज चलेगा और कुछ नहीं <laughs> आगे। 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 <laughs> भाई मेरी तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही इनको देख के you, ये पता नहीं किसने भेज दिया ये ये चा के लिए नहीं जी के लिए भेजा था ये <laughs> तो कमेंट करता नाल ना, ना कैसा लगा आपको नथुलाल को दोबारा देखना नहीं देखना <laughs> आज लास्ट डे है ईयर का और ये देखो हमारे ट्वेंटी फोर मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं सिर्फ उन्नीस हजार आगे कल सुबह तक हो जाएंगे तो मतलब 2024 के पहले दिन हमारे 24 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कल तो मस्त पार्टी करेंगे डबल सेलिब्रेशन होगा बिकॉज एक ट्वेंटी फोर मिलियन का और एक न्यू ईयर का

तो कभी आ गया हूँ अपने न्यू स्टूडियो में जो हमने लिया था ना घर भाई काफी टाइम हो गया लिए हुए हम यहाँ पे आते ही नहीं है भाई मतलब ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ ये क्योंकि पूरी फैमिली को ना वहीं की आदत है तो मतलब मैं स्टूडियो भी शिफ्ट नहीं कर पाया अभी तक अभी तक अपना रूम भी शिफ्ट नहीं करा मैंने बाय द वे जो मैंने पिलो मंगाई थी ना वो रख दिया यहाँ पे देखो सारी क्यूट क्यूट सी सारी वाइट सोफा है ना तो अच्छी लग रही है गईज एक बात सोचो अगर हम स्टार्टिंग में निर्मल भैया वाला घर ले लेते तो हम ये वाला घर ना लेते बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास वो वाला घर होता बट अब देखो स्टार्टिंग में हम नहीं ले पाए अब देखो कितना बढ़िया हमको घर मिल गया पूरा वेल फर्निश्ड मिल गया और ऊपर भी इसमें रूम्स हैं नीचे भी रूम्स हैं और सब कुछ सारा सामान भी है यहाँ पे तो मतलब बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है कि मतलब भगवान ने ना हमारे जो प्लान्स हैं वो अच्छे बनाए होते हैं हम सोचते हैं कि ये अच्छा हो जाए क्योंकि ये जो घर का आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पे अच्छे लेवल के लोग रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बनवा रखी है एक एक चीज तो ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ में हुआ है स्टार्टिंग में क्या सोचता था और हुआ क्या भाई मैंने एक परसेंट सोचा था भगवान ने सौ परसेंट से भी ज़्यादा दे दिया तो गई रात के बारह बजने वाले हैं सिर्फ उन्नीस मिनट रह गए तो नया साल आने वाला है 2024 तो गई सिर्फ एक मिनट उन्नीस सेकंड बाकी हैं नया साल आने के लिए और शान में नथु भी आ चुका है ये कौन आ गया कौन? लाल का भाई लाल। <laughs> <laughs> अरे अरे, अरे तो वही इस मस्त सेलिब्रेशन भी हो गया पूरी फैमिली के साथ में हम कहीं बाहर नहीं गए घर पे हमने सेलिब्रेट किया मस्त डांस किया बहुत थक गए हैं पूरा पसीने से भीग गया हूँ तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक कर देना इन चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते गए नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग